ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। चुप नहीं बैठेगा, इट का जवाब पत्थर से देना, छत्रियों को आता है हमेशा दिया। बोझ काट जाओ पर एक घात हो छे અને એના માટે અમે ખાલી એટલું જ ઈચ્છીએ છીએ કે રૂપાલા સાહેબની એકની ટિકિટ રદ થાય। રાજકોટમાં પરસોતમ રૂપાલાની વિવાદિત ટિપ્પણીને લઈને સમગ્ર ક્ષત્રિય સમાજમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। તે વચ્ચે રૂપાલાનો ઠેર ઠેર વિરોધ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે। અનેક જિલ્લાઓમાં રૂપાલા વિરુદ્ધ બોયકોટ રૂપાલાના પોસ્ટરો પણ લગાવવામાં આવ્યા છે। તે ઉપરાંત 25થી વધુ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ પણ કરવામાં આવ્યા છે। વિરોધ ઉગ્ર બંધાવ સુરત શહેરના ક્ષત્રિય સમાજ અને તેના આગેવાનો એકતા પ્રદર્શન સાથે સુરતના કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવા પહોંચ્યા હતા। ત્યારે જુઓ રોષ ઠાલવતા ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનોએ શું કહ્યું। देखिए रूपाला जी ने जो टिप्पणी की है हमारे क्षत्रिय समाज के ऊपर, क्षत्रिय समाज में रूपाला जी ने जो टिप्पणी की है तो उसके विरोध करने के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज सूरत शहर में क्षत्रिय समाज के द्वारा हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और भाजपा सरकार से मांग कर रहे हैं, मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि रूपाला जो एक तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति को टिकट रद्द किया जाए, अन्यथा इसका खुमियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ रूपाला जी को कि क्षत्रिय समाज वो समाज है जिसे लोकतंत्र को बचाने के लिए 565 रजवाड़े दान दे दिए। क्षत्रिय समाज वो कुल से पैदा हुआ है जो 36 कौम को साथ लेके चलता है। क्षत्रिय समाज वो समाज है जिसकी छत्रानियां जब पैदा होती है तो अपने स्वाभिमान के साथ पैदा होती है और मरती भी है तो स्वाभिमान के साथ मरती है। मुगल हो, बादशाह हो, औरंगजेब हो, अंग्रेज हो, जब जिंदा रहते तो क्या मरने के बाद भी कोई उनके शरीर को छू नहीं सकता, वो छत्रानियां हैं। ऐसे छत्रानियों पर कोई टिप्पणी करेगा तो ये छत्रिय समाज चुप नहीं बैठेगा, इट का जवाब पत्थर से देना, छत्रियों को आता है हमेशा दिया। आपने आगे भी देखा होगा पद्मावत के अंदर बंसाली ने हमारे छत्रिय समाज के ऊपर टिप्पणी की थी। आज फिर कोई भी एरा गेरा नथु गेरा बड़े भले बीजेपी का बड़ा नेता हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्षत्रिय समाज पहले हमारे प्रति समाज है। हमने बीजेपी को हर समय सहयोग किया है, सपोर्ट करता है, पर सबसे पहले हमारा समाज सर्वप्रथम आता है, सर्वप्रथम हमारा समाज है। हमारे समाज के प्रति कोई भी टिप्पणी करता है तो छत्रिय समाज चुप नहीं बैठेगा, पूरा आंदोलन पूरे भारतवर्ष में ये किया जाएगा। इसका समाधान कैसे होगा? एक ही समाधान है साहब, माफी मांग ली कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही समाधान है, मोदी जी इसका टिकट काटे वो समाधान हो गया हमारे लिए। इस बार भाजपा सरकार ने बोला कि 400 पार, हम भी भाजपा सरकार के साथ हैं, हमेशा थे रहेंगे, पर अगर हमारे समाज के प्रति कोई भी टिप्पणी करता है तो हम भाजपा हो या कांग्रेस हो कोई भी सरकार हो हम उसके विरुद्ध में खड़े होने की क्षमता रखते हैं। और छत्रिय समाज हमेशा अपनी एकता दिखाई है, अपने हमारी इज्जत के लिए, अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, देते आए हैं, पर हमारे अस्मिता पर हमें कभी ठेस पहुंचने नहीं दिए। क्षत्रिय एकता हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। और छत्रिय समाज में कोई टिप्पणी करता है तो हम छत्रिय समाज चुप नहीं बैठेंगे चाहे कोई भी सरकार आए। देखिए संभावना पूरी है, पहली बात तो है टिकट कटनी ही चाहिए, और नहीं कटती है टिकट तो लोकतंत्र का देश है साहब, ये जनता का देश है, वोट का देश है, एक एक मत से लोकसभा चुनी जाती है, विधानसभा चुनी जाती है। हम छत्रियों की ताकत हम दिखा देंगे एक एक वोट से। जब एक एक वोट विपक्ष से पड़ेगा, एक एक वोट नोटा में पड़ेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं पे एहसास होगा भारतीय जनता पार्टी को और रूपाला का दोनों को। कलेक्टर ने आवेदन आपवा माटे मोटा प्रमाण में क्षत्रियाणियों पण पहुंचा हता। जो तेमणे शुं कह्युं। મારી માંગ જે આપને બધાને ખ્યાલ જ છે કે અત્યારે ગોંડલ, સુરેન્દ્રનગર હોય, રાજકોટ હોય, ભાવનગર હોય, લાખોની સંખ્યામાં રાજપૂતો કે રાજપૂતાણીઓ બહાર નીકળે છે, ખાલી એક જ કારણ છે કે અમારી સ્વાભિમાનને ગરિમાને જે ઠેસ પહોંચી છે એ અમને બહુ જ કાળજા ઉપર એક ઘા થયો છે અને એના માટે અમે ખાલી એટલું જ ઈચ્છીએ છીએ કે રૂપાલા સાહેબની એકની ટિકિટ રદ થાય, બાકી અમારી કાંઈ માંગ નથી। માફી તો માંગી લે, હવે આજે હું છું તો કોઈને કાંઈ પણ અપશબ્દ બોલી દઉં અને હું કે કોઈને હું કાંઈ એવું રિએક્શન આપું અને માફી માંગી લઉં તો મને સરકાર માફ કરશે। હાલ તો વિવાદમાં રૂપાલાની ટિકિટ કાપી તેની વાત સાથે ક્ષત્રિય સમાજ આગળ વધી રહ્યો છે। આગામી સમયમાં જોવાનું એ રહ્યું કે શું ભાજપ ક્ષત્રિય સમાજની આ મૂળ માંગ જે છે તે પૂરી કરશે કે નહીં। સુરતથી સંજય સિંહ રાઠોડનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।